हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेट सक्सेस पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूची, यानी कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं या किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, जो भारतीय संविधान की अनुसूचियां है, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन हर रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर डेली जीके क्विज भी चला रहे हैं, जो कि आपके आरपीएफ, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, यूपीएससी, वीडियो, ग्राम पंचायत अधिकारी, एसएससी और आरआरबी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे रिलेटेड आपको डेली वीडियो मिल जाती है 7-7 बजे। अगर दोस्तों आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कवर करते हो तो आपको अपने रिटन एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक रिटन एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, भारतीय संविधान में दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो अनुसूचियां और दूसरी अनुच्छेद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियां, अनुच्छेद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुसूचियां तो होती है 12 और अनुच्छेद होती है 395। तो हमें पढ़ना है भारतीय संविधान में अनुसूचियां। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप उसका आंसर देंगे 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, प्रथम अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में क्या क्या जिक्र किया गया है, या भारतीय संघ शासित प्रदेशों का किस अनुसूची में जिक्र किया गया है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इसी फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बात आती है प्रथम अनुसूची की, डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, 29 राज्य एवं संघ शासित 7 क्षेत्रों का उल्लेख है। दोस्तों, ये कह रहा है कि भारत में जो 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और साथ ही यहां महत्वपूर्ण दिया हुआ है, संविधान के 62वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया, इससे पहले राज्यों की संख्या 28 थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंपोर्टेंट पॉइंट बात बता दूं, अगर राज्य की राजधानी चेंज हो रही है या राज्य एक राज्य से दूसरा राज्य बन रहा है, तो इसका उल्लेख भी प्रथम राज्य प्रथम अनुसूची में ही किया गया, यानी कि इसका उल्लेख आपको प्रथम अनुसूची में मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एक इंपोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन निकल के आता है, संविधान के 62वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 62वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनी थी। तो ये एक आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और 1911 में राष्ट्रीय राजधानी बनी थी दिल्ली दोस्तों। तो बात आती है द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान है। इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उप राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपसभापति, विधानसभा परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण महालेखाओं के प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। यानी कि जो राष्ट्रपति है, लोकसभा के अध्यक्ष है, मंत्री है, उपसभापति है, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनके वेतन यानी कि उन्हें जो भत्ता मिलता है या पेंशन मिलती है, उसके बारे में उल्लेख मिलता है द्वितीय अनुसूची में। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको देखना है कि भारतीय राष्ट्रपति की तनख्वाह यानी कि सैलरी कितनी है, तो आपको वो द्वितीय अनुसूची में ही मिलेगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो इनके भत्ते होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल के भत्ते के, या पेंशन, या आप वेतन कह सकते हैं, वो द्वितीय अनुसूची में जिक्र किया गया है। आते हैं तृतीय अनुसूची पर, अनुसूची 3। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी कि जब राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, यानी कि जब पद ग्रहण करते हैं, नियुक्त होते हैं,
उस टाइम पे जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख तृतीय अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ संघीय राज्यों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि जो राज्यसभा में अलग अलग राज्य से सदस्य चुने जाते हैं उसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें विभिन्न अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूची जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, यानी कि जो हमारी ओबीसी है एसटी एससी जो ये हमारी कास्ट है जाति है इसका उल्लेख या प्रशासन और नियंत्रण का लेख पांचवी अनुसूची में मिल जाता है, और अनुसूचित क्षेत्रों का भी, जैसे कि हमारे नागालैंड है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं सिक्किम, इनका प्रावधान पांचवी अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची, ये भी इंपॉर्टेंट है, छठी अनुसूची दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं भूल ही गया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल आप ध्यान से देखना। इसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में प्रावधान है, यानी कि जो हमारे मैं पांचवी अनुसूची में इसका जिक्र किया था, जो जनजाति है असम की मेघालय की त्रिपुरा मिजोरम ये चार राज्य हैं, इनके राज्यों की जनजातीय क्षेत्र प्रशासन के बारे में प्रावधान है छठी अनुसूची में। नेक्स्ट है हमारा सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अंतर्गत तीन अनुसूचित संघ अनुसूचित राज्य सूची एवं संवर्धित सूची आती है, यानी कि जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्ति है, यानी कि केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र में रहता है और जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है या राज्यपाल होता है, इसके बारे में जो शक्ति बांटी गई है, मुख्यमंत्री को एक राज्य सौंपा गया है उसको शक्ति बांटी गई है, उसका प्रावधान सातवीं अनुसूची में मिलता है, और इसमें तीन सूची आ जाती है, एक तो संघ सूची, इस विषय में केंद्र सरकार कानून बनाती है, और दोस्तों संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में 98 विषय हैं। संघ एक आती है राज्य सूची, विश्व पर राज्य सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो दोस्तों एक आती है संवर्धित सूची, विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, दोस्तों संवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। इसमें दोस्तों 47 विषय थे, वर्तमान में संवर्ती सूची में 52 विषय है, सातवीं अनुसूची है दोस्तों ये, बस इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा सातवीं अनुसूची में प्रावधान है। आता है हमारा आठवीं अनुसूची, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपका बनेगा ही बनेगा, आरपीएफ का हो या वीडियो का हो या फिर आरआरबी का और कोई भी आपका एग्जाम हो। आठवीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, दोस्तों भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषा थी, दोस्तों पहले आठवीं अनुसूची में 14 भाषा थी, 1967 ईस्वी में सिंधी को और 1992 ईस्वी में कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली और आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, 2004 में मिथिली स्थली डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। दोस्तों जब आठवीं अनुसूची बनी थी उसमें केवल 14 ही भाषा थी, उसके बाद 1967 में 1992 में 2004 में ये कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई, वर्तमान में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नौवी, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था अभी, शायद यूपी पुलिस का रिटर्न एग्जाम हुआ तो इसमें क्वेश्चन आया था कि अनुसूची संविधान के संशोधन एक 1951 में जो संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था उसमें क्या किया गया था, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों संविधान के प्रथम संशोधन से नौवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये यहां पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों का न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है, वर्तमान में इन अनुसूची में 284 अधिनियम है। दोस्तों ये भी आपको केवल यहाँ पर ही इसमें ध्यान रखना है, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख नौवीं अनुसूची में किया गया है। आती है दसवीं अनुसूची, टोटल है 12 अनुसूची, हम पहुंच गए हैं दसवीं अनुसूची पर, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई।
संविधान में 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, यानी कि जो दल बदल दूसरी पार्टी से दल बदला जाता है वो प्रावधान 10वीं अनुसूची में है, अनुसूची 11 है। यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधानिक संशोधन 1993 में हुआ था, जो के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संशोधन सॉरी संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए, यानी कि पंचायती राज से जो विषय संबंधित होंगे वो 11वीं अनुसूची से संबंधित होंगे। दोस्तों आज की हमारी लास्ट की अनुसूची है 12वीं अनुसूची। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि भारत के संविधान में 12 अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में क्या है, यह अनुसूची 74वें संविधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था होती है वो शहरी के लिए शहर के लिए जो कार्य करती है वो 12वीं अनुसूची के लिए, कह सकते हैं आप नगर पालिका कह सकते हैं, 12वीं अनुसूची में आती है। जो शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के 18 विषय प्रदान किए गए हैं वो 12वीं अनुसूची में आता है, जैसे कि नगर पालिका शहरी क्षेत्र को लिए कार्य करने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी 12 अनुसूची, आपको पता चल गया कि एक अनुसूची में क्या है, दो में, तीन में, चार में। आपको ये अब इतना आपको याद नहीं रहा होगा, आपको मेन मेन चीज याद रही होगी, आपको वीडियो पॉज या रिवाइंड करके देखना होगा, आपको इसे अपना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको दिमाग में सेट कर लेना है, आप वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं आपको अच्छे से, ताकि ये याद हो जाए। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा 12 अनुसूची के बारे में, आपको पता चल गया अनुसूची में ये प्रावधान किए गए हैं। अगली वीडियो में अनुच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 395 है, 395 अनुच्छेद पढ़ने तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अनुच्छेद इंपोर्टेंट है जो कि रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई भी सवाल हो बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।